हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वो यार बैक विद अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आप देख रहे हैं आसान भाई व्लॉग। तो जी सीन्स कुछ ऐसे हैं कि अभी जो है ना, आज लास्ट डे है 2022 का, 2022 का आज आखिरी दिन है। अच्छा तो अब कुछ सोच तो रहे हैं इसको अच्छे तरीके से गुजारें या कुछ स्पेशल करें। देखते हैं दोस्तों कहा है कि आप कोई प्रोग्राम प्रोग्राम बनाओ, कहीं चलते हैं एंजॉयमेंट के लिए। तो देखते हैं क्या होता है फिर। A few moments later. अभी तो फिलहाल के लिए मैं ये दूध उबाल रहा हूँ। हाँ, दूध उबाल रहा हूँ मैं जो उबाल रहा हूँ ये मेरा अपना दूध भी नहीं है। बाज बाज। मतलब हमारे दूध वाला भी नहीं लेके गया। किसका है ये दूध? है बाबर भाई का, जो सामने रहते हैं हमारे घर के। वो जरा कहीं जा रहे थे तो उन्होंने कहा यार हमारा दूध ले लेना। ऐसे हम भी कहते हैं कि जी, उनको कह देते हैं कि जी आज हम हमारा दूध ले लेना। मैं फ़ोन करके कह देता हूँ, करना चाहिए भाई, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। अच्छी बात होती है, अच्छी बात होती है, बहुत अच्छी बात होती है ये। चलो मैं दूध उबाल लूँ, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है, ठीक है। मैं आया हूँ रमजान भाई के पास से होके। अब जरा चलते हैं घर। क्या रेनबो बन रही है? ये ऊपर से पानी फेंक रही है। एक मिनट दिखाता हूँ क्या चीज है। गाइस वो देखें, रेनबो बन रही है। वो देखें जहाँ कमरे का दरवाजा ना, उसकी सीध में देखें रेनबो बन रही है। थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको। वो देखें कलर आ रहे हैं ना रेनबो के। वो देखें कितने डार्क कलर आ रहे हैं माशाल्लाह। और फेंको जोर से, जरा ज्यादा फेंकना ज्यादा। अभी देखना फिर आएगी रे। वो देखें कितनी डार्क आ रही है। 20 मिनट्स लेटर। और अभी के जो सीन है ना, अभी मैं जा रहा हूँ जरा एक पार्टी की से जरा पैसे लेने। उसको मेहंदी दी थी, उसने रिक्वेस्ट की थी, कहता यार साथ ही तो रहते हो, कल आके ले जाना पैसे। मैंने कहा चलें ठीक है, कल आ जाऊँगा। तो चलते हैं उसके पास जरा, फिर वहीं से होते हुए अम्मी को लेने चलते हैं स्कूल से, फिर आके उसके बाद देखते हैं क्या करना है, ठीक है। सारा कब्रिस्तान, और ये मेन गेट है कब्रिस्तान में एंट्रेंस का। एक गेट बड़ा उस साइड पे भी है, लेकिन हम यहाँ से हमारा रास्ता बनता है ना, तो जब हमें ज़रूरत होती है। उस दिन मामू वगैरह ने जाना था, बड़ी प्रॉब्लम हुई वहाँ से घूम के। वो रोड है अभी दिखाऊंगा, वो वहाँ से होके उधर बड़े गेट से जाना पड़ा परली साइड से। तो आज खुला हुआ ये, आज हमें ज़रूरत नहीं थी तो खुला हुआ। जब काम होता है तब खुला हुआ नहीं होता, बड़ी परेशानी होती है। पता नहीं किस पागल के पास चाबी होती है। कितना लंबा रूट है ये, ओ आगे तक है। और फिर पीछे से भी देखें मैं कितना अभी आगे आ गया। यहाँ से फिर हम पैदल गए थे वो उधर तक, आगे तक। वो दरवाज़ा भी दिखाता हूँ, वो बड़ा दरवाज़ा। ये दरवाज़ा है, ये भी आज खुला हुआ है। वैसे ये भी बंद होता है, छोटा वाला खुला होता है। इसके दरमियान में छोटा लगा हुआ है, वो खुला होता है। तो कब्रों पे जाना था फातिहा वगैरह पढ़ने के लिए, तो इस वजह से मुश्किल होती है ज़रा। ये सामने शॉप है, यहाँ से मैं ज़रा पेमेंट ले लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। पैसे दे तो दिए इन्होंने, लेकिन खुले पकड़ा दिए सारे 10-20 वाले। चलो कोई नहीं, दे तो दिए। दुकानदार बड़ा अच्छा बेचारा। अब ज़रा जल्दी जल्दी अम्मी को लेने जाते हैं, देर हो गई है, पूरा टाइम यहीं पर हो गया। तो जल्दी चलते हैं अम्मी को लेने के लिए, वरना डांट पड़ेगी। 20 मिनट्स लेटर। अभी मैं आ गया हूँ घर। अम्मी ने मना कर दिया कि अभी लेने नहीं आना था वो, इसलिए मुझे पता नहीं था, ध्यान में नहीं था कि वो है फंक्शन था उनके स्कूल में ना। फंक्शन भी था और रिजल्ट भी था बच्चों का। तो रिजल्ट अनाउंस उस वक्त तक हो गया था, अभी जब मैं कह रही लेने के लिए आ गया है। और अभी पार्टी भी थी हमारी, तो इस वजह से अभी घर जा, जब मैं फ़ोन करूँगी ना तब आना। मैंने कहा चलें अभी ना, इन्होंने ज़रा ये दिया, देखते हैं क्या है इसमें। खाने पीने की चीज़ें भी हैं, मिठाई शिठाई समोसे वगैरह। ये देखें, देखते हैं अभी ऊपर जाके है। मिठाई है ये दरबार स्वीट्स एंड बेकर्स, तो अभी हम इसको ठहर के खाएंगे ज़रा। अभी नहीं, अभी अब उनका मूड कर गया है जी पापड़ी चने खाने। अब इनको पापड़ी चने खिलाते हैं। कितने खिलाने? मैं दे दूंगा, आप दिखाओ कितने हैं। उसके पास कितने हैं?
30 30 के और दो जगह 40 40 दो जगह 30 30 के दो जगह 40 40 के इसमें मेरे भी होंगे ना मैं अपने अलग लूं फिर देख लें कितने तेज लोग हैं कितने जालिम लोग हैं दो जगह 30 30 के दो जगह 40 40 के उसके बाद फिर मैं अपने अलग लूं मैंने खाने हैं तो चल लें लेते हैं भाई अब है पापड़ी चने पार्टी टाइम हमारा तो ये मैं खा लूं देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है फिर जी पापड़ी चने खा के मैं थोड़ा सा लेट गया था लेटा ही था सोया नहीं था तो इतने में ना अभी फिर अब्बू की कॉल आ गई कि जी पकाने के लिए कुछ ले आओ अब मैं पकाने के लिए लेने जा रहा हूँ मैं यही दुआएं कर रहा हूँ कि उसी रोड पे ही अम्मी का स्कूल भी है तो मैं कह रहा हूँ वहीं से चीज़ें भी ले लूँ फिर अम्मी की इतने में कॉल भी आ जाए फिर अम्मी को भी ले लूँगा अल्लाह करे लेकिन ऐसा होगा नहीं इतना अच्छा कभी कभी कभार होता है मेरे साथ अम्मी का दोबारा लेने जाना पड़ेगा इसका मतलब मुझे चलें चलते हैं पहले पकाने के लिए कुछ चीज़ें भी ले के पकाने के लिए जो लेनी थी वो लेके घर दे दी हैं अब ज़रा अम्मी की कॉल का वेट है पता नहीं कब आती है अम्मी की कॉल पता नहीं कितना लंबा चलना है भाई फंक्शन तो गाइस अभी अभी अम्मी का फ़ोन आया था कि आके मुझे ले जाओ तो मैं उनको घर ले आया हूँ अब तो आज का व्लॉग भी मेरा यहीं तक था यही थी मेरी आज की वीडियो उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें बार बार कहता हूँ ठीक है तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में ओके अल्लाह हाफिज़।